हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग विद सर सैयद। आज की नई और सीक्रेट वीडियो में हम क्या बनाने जा रहे हैं, चल के इंग्रेडिएंट देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू कुकिंग विद सर सैयद। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी चिकन डोनट, तो बहुत इजी आसान तरीके से बनाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिए चिकन 500 ग्राम, ये हम एक चॉपर में डालेंगे। हरी मिर्च एक, हरा धनिया डालेंगे हम थोड़ा सा, मैंने इसकी डंडियां भी ली हैं। इसमें हम आलू डाल देंगे, 2 आलू लिए थे मैंने और उसे मैंने बॉईल कर लिया। इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 2 चुटकी, नमक 1/2 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्चें 1/2 टेबल स्पून, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। काली मिर्ची डालेंगे 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून में चावल का आटा डाल दूंगी और 2 टीस्पून मैदा, 1 अंडे की जर्दी डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल की हुई, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। सब चीजों को पीस लेंगे। यहाँ देखिए जी, हमने इसे पीस लिया। यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, इसी सफेदी में हम अंडे को तोड़ लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और काली मिर्च फेंट लेंगे। यहाँ हमने लिया ब्रेड क्रम, ये मैंने अभी ताजा बनाया हुआ है। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ और इसे मिक्स कर देंगे। ये बहुत अच्छा लगता है जब डोनट के ऊपर लगेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा, तो हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसके डोनट बना लेंगे। आप बड़े और छोटे साइज अपने हिसाब से रखिएगा। पहले हम गोलाई में करेंगे, फिर कबाब की तरह बना लेंगे। ऐसे बनाएंगे, फिर हम कोई भी ढक्कन ले लेंगे ये देखिए जी, हम इसी तरह बना लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए जी, हम इसी तरह सारे बना लेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं तेल गरम कर रही हूँ, तेल हमारा अच्छा सा गरम है। मैं यहाँ पे एक डोनट उठाऊंगी, इसमें डिप करेंगे। डोनट को मैंने बना के 1 घंटे के लिए फ्रीजर में डाल दिया था, तो ये अच्छा सा सेट हो गया। अंडे में डिप करने के बाद हम इसमें ब्रेड क्रम लगा लेंगे, अच्छा सा लगा लेंगे और हम इसे फ्राई कर लेंगे। और मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, बहुत ज्यादा तेज फ्लेम पे मैंने नहीं रखा है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, हम निकाल लेंगे इसे। ये हम निकाल लेंगे, इसी तरह हम ये भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने निकाल लिया चिकन डोनट और ये बहुत मजे के क्रंची हैं, तो ज़रूर बनाएगा एक दफ़ा। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। रमज़ान जा रहे हैं, रमज़ान 2-3 दिन रह गए हैं रोज़े, तो ये बनाएं, एंजॉय करें और रमज़ान के बाद भी इसे आप लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं।
तो बच्चों को तो बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है उससे लाइक कीजिएगा, कुकिंग विद सर सैयद, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। व्हाट्सएप नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ब्रेड क्रम के साथ मैंने धनिया डाला था, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है धनिया। करती छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आएगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मुझे आपके लाइक का कमेंट का फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।